यार करवाऊं, क्योंकि पानी है ना गले से ऊपर आ चुका है। जो आपसे बना वो कर लूंगा। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त कमल बैरागी। आज हम राजमिया का जो मीटर चल रहा है, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, राजमिया राज ने जो उनको बुलाया था मिलने के लिए, तो वीडियो में आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसके साथ भी हाथापाई हुई है, गाड़ी में उठा के ले भी गए थे उसको। बाकी इससे पहले भी लड़ाई हो चुकी है हमारी, मैं राजस्थान था, राज ने मेरे को बोला भी था, पर मैंने उनसे बोला था कि आप कैमरा लगवा लीजिए, कैमरा लगवाया था। उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा भी है, मेरे कैमरामैन ने डाला था, मेरे कैमरामैन को भी डराया उन्होंने, हम लोग बाहर शूट कर रहे थे। अभी मैं सारे काम छोड़ के बस यहीं आया हूँ, और राज का जो दोस्त है उससे मैंने यहाँ का एड्रेस लिया, और एड्रेस लेने के बाद मैं उनके घर के सामने खड़ा हूँ। उनका घर है या ऑफिस है ये तो पता नहीं है, बाकी यहाँ का एड्रेस दिया उन्होंने, भानु प्रताप नाम है उनका। तो मैं आइए एक बार उनसे मिलके अपन बात करते हैं, अगर वो घर पे मिलते हैं। क्यों भैया, ये भानु प्रताप जी का मकान है जी सर, मिलना था यार उनसे थोड़ा सा। आइए सर, अपन अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर है क्या वो? नहीं, वो तो मीटिंग में। चलो अच्छा, कहाँ गए वो? वो मीटिंग में गए जी। आप लोग कैसे, मतलब यहाँ? ये सर कारोबार तो आपने सुपर थे। अच्छा, तो मेरे को तो क्या उनसे मिलना था थोड़ा सा, बातचीत करनी थी। सर तो मीटिंग में गए। कब तक आएंगे वो? उनका कोई भरोसा नहीं, 2-3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, मिल आप हमारे को बता दो तो हम उनको बता देंगे। तो ये कैमरा मेरा क्यों चल रहा है? कैमरा तो देखो, मैं यूट्यूबर हूँ, कमल बैरागी नाम है मेरा, दबंग एक्सपोज यूट्यूब पे वीडियो है मेरा जी। तो अभी जो उनके दामाद है राज, आपको जानते होंगे उनको? हाँ हम जानते हैं ना। जानते हो ना, तो उनका थोड़ा सा मैटर चल रहा था, तो मेरे अंडर में था ये। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल देखा हो तो भानु प्रताप जी ने बहुत ज़्यादा ये करा है, तो उनसे मिलना चाहता था मैं आपसे। सर वो तो आपसी मैटर है ना? आपसी मैटर है ना, मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपसी मैटर है, पर मेरे कैमरामैन को भी डराया उन लोगों ने। आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए आप एक बार सर्च करके, मेरे कैमरामैन को भी डराया है उन्होंने। अब आपके नंबर दे दीजिए हमें जी, आएंगे सर, आएंगे तो हम आपको बता देंगे नंबर। लेकिन वो है का मेरे को बताओ ना, मैं क्योंकि मैं पूरा देखो, मैं राजस्थान शूट कर रहा था, वहाँ से शूट छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ ओनली ऑन उनसे मिलने के लिए। एक बार सर हमारे को पता नहीं कहाँ गए यार, आप यहाँ काम करते हो, आपको पता नहीं कहाँ गए, ऐसा थोड़ी होता है। बताते नहीं सर, पूछते भी नहीं, आना जाना हमेशा लगा रहता उनका। तो अभी कब, कितने दिन से नहीं है यहाँ पे? 2 दिन से नहीं है। 2 दिन से नहीं। तो बात तो जैसे आप कारोबार चला रहे हो, उनका काम काज कर रहे हो, ऑफिस में बैठे, तो आपसे कॉन्टेक्ट किसी न किसी विषय में तो कॉन्टेक्ट होता होगा कि सर कब तक आएंगे, क्या है, कैसा ये होता है, पर ये हमने अभी तक बात नहीं करी है। अभी फ़ोन भी लगा सकते, हमने मना कर रखा था। तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं हमको? हाँ दे सकते हैं ना सर, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर तो है हमारे पास, बाकी वो बात करते देखो, एक आध बार चर्चा करी थी उनसे हम लोगों ने, मैंने भी चर्चा करी, तो वो एक तो बदतमीजी से बोलते हैं, सबसे मेन चीज़ तो ये है, वो उनसे मुलाकात करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि पानी देखो सिर तक आ चुका है। आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कुछ नहीं है, आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। कैमरा तो देखो, कैमरा तो मैं मेरी सेफ्टी के लिए चलाता हूँ, क्योंकि कैमरा अगर नहीं चलाता हूँ, आज मैं किसके घर आया हूँ ये मैं जानता हूँ। उन लोगों मतलब वो जो आपके जो मालिक है, आपके अंकल है या कुछ भी है, भानु प्रताप जी, उन्होंने कितने कितने कांड कर दिए हम लोगों के साथ में, उनसे बस आप ये बोलना, एक बार बात करके देखिए, अगर नहीं तो फिर आप शाम को या कभी भी आप उनसे बात करना कि मैं आया था यहाँ पे। और इस तरह की कमल बैरागी, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा चैनल है, मेरा नाम दबंग एक्सपोज का नाम सुन के समझ जाएंगे कौन आया था। और मैंने एक बार पहले उनको वहाँ गार्डन में बुलाया भी था, उन्होंने बोला भी था कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे के बाद वो खुद तो नहीं आया और लड़कों को भेजा था उन्होंने मारने कूटने के। तो देखो आपने रिश्ता करा है, आपका दामाद है, जो भी है, तो दामाद भी ऐसा नहीं है ना, इस लेवल पे नहीं है ना। आपने शादी काहे के लिए करी है? शादी करी ना आपने? बदतमीजी से बात करता हूँ, साहब से बदतमीजी से बात करता हूँ। बदतमीजी से बात, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है किसी को, मैं आया हूँ तो मैं डायरेक्ट लड़ा गया आपसे, फिर हम भी थोड़े नहीं, लड़ने वाली बात नहीं है, मेरी बात सुनो, आपने दामाद बनाया, आपकी बेटी दी आपने, उसके बावजूद उसके साथ गले गलौज करोगे तो कब तक? उसके बाद आपने केस कर रखा है ना, केस करने के बाद कोर्ट करेगी ना फैसला इस चीज़ का, आप
फालतू में गुंडे मवाली इनको भेज भेज के फालतू बातें फालतू बातें कर रहे हो, ये कौन सी बात है? हम आएंगे तो आपकी बात करवा देंगे, हम आपको आपके नंबर दे दूँ। मेरे नंबर उनके पास है और नहीं है तो आप लिख लीजिए एक बार, मेरे को मोबाइल दीजिए, मैं डायल कर देता हूँ। पहली बात तो अगर आप उनसे मेरी मुलाकात करवा देते अभी तो सबसे बेस्ट भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि उनसे बोल देना मेरे नंबर आपको दे दिए, कल किसी भी कंडीशन में मेरे से मुलाकात, क्योंकि देखो मैं शूट करता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ अक्सर, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, कल मेरे से, मैं कल यहीं हूँ, मेरे से मुलाकात कर ले, नहीं तो मैं कल आऊँगा और इस बार FIR करवाऊँगा, ये पक्की बात है। ये कौन सी बात होती है, हमारे घर आके हमको ही धमकी दे रहे हैं? आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं तो, वो अगर मिलते ना तो बात कुछ अलग हो जाती, वो तो आप उनके वर्कर हो, आए हो, हम कैमरा लगाया और हमको धमकी दे रहा हूँ। भाई साहब मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, कैमरा तो मैं मेरी सेफ्टी के लिए लगाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ कैमरा मेरे साथ रहता है, इससे इसका कोई इशू नहीं है। हमको कैमरे से नहीं, आपने बात कैसे करी, मतलब कि उनको बोल देना आज ही कॉन्टेक्ट कर ले, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपके घर पे बैठ के बोल रहा हूँ, अभी बुलाओ उनको, मैं तो मिलना चाहता हूँ। आप हमको धमकी दे रहे हो, धमकी वाली बात नहीं है भाई साहब, आप नीचे बैठ जाइए, आप धमकी दे रहे हो, आप धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी कि मतलब उनको अभी कॉन्टेक्ट, मैं धमकी नहीं, मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरी बात सुनो, वो करने की बात, वो जब का जब टाइम पे देख लेंगे, हाँ वो टाइम पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन मैं अब FIR करवाऊँ क्योंकि पानी है ना गले से ऊपर आ चुका है, जो आपसे बने वो कर लेना हम तो, लेकिन बाकी धमकी देने का काम यहाँ पर चलेगा नहीं, हमारे घर में आके आप धमकी नहीं दे सकते। आपके घर में आके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपसे कुछ नहीं होगा, जो आपसे जानते नहीं उनको, वो क्या है, मैं सब अच्छे से जान गया, अच्छे से जान गया, मैं अच्छे से जान गया उस बंदे को, मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ, मेरी बात सुनो, उनसे एक बार अगर वो इतने ये दादा है वो पहलवान है तो मेरे से मिले ना एक बार, वो लड़कों छोटी मोटी बात कहाँ से हो गई, छोटी मोटी बात है, जब कोर्ट में केस चल रहा है, सारा मामला वहाँ पे है, उसके बावजूद आप अगर हिम्मतदार हो तो आप सामने खड़े आओ ना, बच्चों लड़कों को छोटे छोटे 22-23 साल के लड़कों को गुंडागिर्दी करने के लिए भेजते, वो छोरे को डराते हैं बेचारे को, ये कौन सी बात हो गई, खुद आओ ना, वो खुद छोटे, समस्या उनकी है, समस्या उनकी है और राज की है, तो उनको आना चाहिए ना सामने, मतलब उनके यहाँ जो काम करता है वो बंदा सब दादा हो गए, मतलब आप लोग भी दादा हो रहे, आप भी इस तरह की बात कर रहे हो, नहीं मैं हम अलग नहीं कर, आप बात कर रहे हो, मतलब मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं धमकी, इस घर में कोई आज तक धमकी देने वाला नहीं आया, मैंने धमकी नहीं दी है, मैंने चेतावनी दी है और बोला है आपको कि आप देख लेना, अगर वो कल नहीं मिलेंगे तो मैं FIR करवाऊंगा, देखो क्योंकि अनलीगल तरीके से काम जो हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है उनको जो भी प्रॉब्लम है उनके पास गुंडे मवाली भेजने का टाइम है, वो बस हो जाता है, उनका काम कर देते हैं, उनको टाइम ही नहीं है, वो क्या छोटे छोटे मैटर में मिलते रहेंगे, वो छोटे मोटे आदमी थोड़ी है वो, जो अरे वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़ी पदवी पे है, मैं समझ गया उनको, क्योंकि जो अपने दामाद को हरासमेंट कर रहा है वो बंदा कितना बड़ा है ये मैं समझ गया, बात तो गलती होगी ना उसको, नहीं गलती है तो उसको बोलो ना मुंह पे जाके, आप पीछे से गुंडागिर्दी क्यों करवा रहे हो, कोर्ट में आपने केस कर रखा है, कोर्ट कर रही ना, उसमें उसकी गलती है ना, हाँ ठीक है उसकी गलती है ना, तो आप उनको बोल देना मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे को बहुत जाके शूट करना है, ये आप वो धमकी वाली बात है, धमकी वाली बात है, धमकी वाली बात है भाई साहब, सीधी सड़ बात है, वो तो आप लोग हो, अगर वो मिलते ना तो फिर बता, मैं पूरी टीम लेके चलता हूँ, मेरी टीम पूरी बाहर खड़ी, मैं धमकी में कोई डरा नहीं, वो होते तो फिर वो उस टाइम पे देखेंगे, उनसे बोलना कल मिले मेरे से, मैं घर पे आके बोल रहा हूँ, मैं घर पे आके बोल रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, उनसे बोलना कि भैया आए थे और इस तरह का वीडियो बनाया, उनके पास इतना टाइम है नहीं वैसे, वो तो उनसे एक बार बात करना, नहीं तो फिर मैं मिलता हूँ उनसे, फिर करते हैं बात, ठीक है ना, जो